वेलकम टू एनवाईसी देसी। दोस्तों जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया थैंक यू सो मच, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। आज मेरे दोस्त ने समुंदर के उस पार बुलाया है तो मैं दिखाऊंगा आपको किस तरह से हम जा रहे हैं, टोटली डिफरेंट वे। आप भी आश्चर्य होंगे कि न्यूयॉर्क सिटी में ऐसा कैसा भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, बट लेट्स हैव फन। लेट मी बाय माई टिकट बिफोर वी गेट लेट। तो बेसिकली आपको पहले लेना पड़ता है टिकट, या अपना कार्ड डाला, जिप कोड डाला एंड एंटर किया। बोलता है चार्ज करेगा पैसे $10, क्योंकि $10 इज द मिनिमम फी। सो ये मेट्रो कार्ड, ये आपको लेना पड़ेगा बिफोर यू ट्रैवल। एंड सो बेसिकली ये ट्रैम है विच टेक्स अस टू द रूजवेल्ट आइलैंड। रूजवेल्ट आइलैंड इज द प्लेस जहाँ पे मेरा दोस्त रहता है, उसे बुलाया मिलने के लिए, बहुत दिनों से बोल रहा आने के लिए। तो दिस इज फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग एंड मीटिंग हिम बिकॉज यू नो ही लिव्स अक्रॉस द आइलैंड। आश्चर्य होगा कि न्यूयॉर्क सिटी के बीच में अपटाउन मैनहट्टन में ये ट्रैम चलता है एंड इट्स ऑलमोस्ट रेडी टू गो। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है क्वींस बोरो ब्रिज, जो कनेक्ट करता है क्वींस, जो एक पार्ट ऑफ यू नो न्यूयॉर्क सिटी का है, टू मैनहट्टन बोरो के साथ। तो मैनहट्टन और क्वींस के बीच का जो ब्रिज है दैट इज क्वींस बोरो ब्रिज, और हम लोग जा रहे हैं रूजवेल्ट आइलैंड जो मैनहट्टन और क्वींस के बीच में है। फाइनली वी हैव रीच रूजवेल्ट आइलैंड। यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करेंगे, दोस्त से मिलेंगे एंड देन उसके बाद निकलते हैं वापस। Rain, rain.
दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ने इतना अच्छा कैंपस बनाया यहाँ पे, बिकॉज ये रूजवेल्ट आइलैंड है यू नो, एंड ये जो यूनिवर्सिटी का जो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ने जो बनाया है ये ब्लूमबर्ग के टाइम में बनाया था, जब ब्लूमबर्ग यहाँ के मेयर हुआ करते थे। तो मैं दिखाता हूँ ये क्या यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कॉर्नेल टेक का ये है कैंपस प्लाजा है, कैंपस प्लाजा है, ब्लूमबर्ग है, अरे यहाँ पे टाटा इनोवेशन सेंटर भी है। तो ये देखते हैं क्या चीज़ है एक्चुअली, क्योंकि इसके बारे में मुझे भी पता नहीं था टाटा इनोवेशन सेंटर का। तो मैं चेक करता हूँ ये है क्या चीज़। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये है टाटा इनोवेशन सेंटर। जब मैंने इसको गूगल किया तो मुझे पता लगा कि TCS ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी को 50 मिलियन दिया है एंड उसके बाद उनकी पार्टनरशिप में दे स्टार्टेड दिस इनोवेशन सेंटर। तो काफ़ी खुशी होती है कि यू नो हमारी इंडियन कंपनी अमेरिका में इतना फेमस और यू नो ऐसे इनोवेशन सेंटर में अपना कंट्रीब्यूट कर रही है। तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा, मैंने सोचा आप लोगों को पक्का दिखाऊं और आप भी मुझे बताएं कि आपको कैसा फील हुआ जब टाटा का नाम आपने न्यूयॉर्क सिटी के रूजवेल्ट आइलैंड में देखा एंड एक पार्टनरशिप कॉर्नेल यूनिवर्सिटी जो बहुत जानी मानी यूनिवर्सिटी है उसके साथ उन्होंने पार्टनरशिप किया इनोवेशन सेंटर का। सो कमेंट में जरूर लिखिए मुझे बताएं। I'll take one American and one Cambodian. Okay. Which size would you like? Small. Both small? Small American and small Cambodian. ठंड अभी तक कम नहीं है, कम हो रही है बट देन स्नो हैज नॉट मेल्टेड येट, सो लुक्स लाइक इट्स स्नो काफ़ी पड़ी हुई है यहाँ पे। एंड ये है रूजवेल्ट आइलैंड का साइन। दोस्तों इट्स टाइम टू से गुड बाय फ्रॉम रूजवेल्ट आइलैंड। दोस्त से मिलिया मैं, काफ़ी अच्छा था रूजवेल्ट आइलैंड में, काफ़ी मजा आया। आई होप आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बेल आइकॉन में क्लिक कीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें एंड थम्स अप दीजिए ताकि हमारा चैनल यू नो आगे ग्रो होगा। And until we meet, stay safe.